राम राम। एक छोटी सी चीज़ तुम लोगों को बताएं, हर चीज़ दूसरों से मत सीखो। जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, हर चीज़ को यूट्यूब पे टाइप मत करो, अनटिल अनलेस वो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आती हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हें खुद से सीखनी होती हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ें तुम खुद से नहीं सीखोगे तो यकीन मानो ज़िंदगी भर किसी ना किसी के भरोसे रहोगे, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे। वो चीज़ें सीखनी कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात, जो तुम गलतियाँ आज कर रहे हो, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि वो सामने वाला वो गलती नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलती करी नहीं। इसका मतलब ये है वो ये पहले गलती कर चुका है, लेकिन वो सीख चुका है इस गलती में होता क्या, या फिर उसने आसपास अपने लोगों को देखा ये गलतियाँ करते हुए, इसलिए वो उससे बच रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो ले लो तुम, जितने भी एक्सपीरियंस है। जैसे कि अब हम तुम्हें बताते हैं, ओशो की एक लाइन बहुत बेहतरीन हमें लगती है, ओशो रजनी सब लोग जानते ही होंगे, बहुत बढ़िया, बाद में बड़ा कांड हुआ। एक लाइन बहुत प्यारी कही थी कि जिसको भी वासना में लिप्त होना, वासना का मतलब अगर तुम्हारे अंदर सेक्स की वो बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर कि हमें सेक्स चाहिए, किसी से लिपटना ही है, तो तुम एक बार उसमें उतर ही जाओ उस फील्ड में बिल्कुल। मतलब कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम वासना में हो, तो तुम उसी में डूब जाओ बिल्कुल पूरी तरीके से। फिर वही कर लो कि दिन रात वही कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें समझ में आएगा ये सब चीज़ें कुछ थी नहीं, तुम्हें समझ में खुद आ जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ कोई दूसरा तुम्हें समझाएगा कि यार उसमें कुछ रखा नहीं है, तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा ये तो कर चुका है, मेरे लिए सब बता रहा है। तो एक बार जब तुम उस चीज़ को पूरी तरीके से कर लोगे, तब तुम्हें एक रियलाइज़ हो जाएगा अब इसमें तो कोई था ही नहीं रखा। तो इस वजह से जब भी तुम लगे कि तुम्हें कुछ चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, तो तुम उसको खुद से एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, तुम उसको खुद से चीज़ें कंज्यूम करने की कोशिश करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि यार इसमें कुछ नहीं रखा था। और अगर तुमसे वो गलती हुई भी है, तो तुम दोबारा वो नहीं करोगे, तुम्हें पता है इसका रिजल्ट यही होना है। तो इस वजह से हर चीज़ का जवाब गूगल के पास नहीं है, हर चीज़ का जवाब यूट्यूब के पास नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात हो रही है, तुम लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी कब ओवर अप नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सोचने की क्षमता आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विकसित कर सकते हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कहाँ करना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जानता है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें कि आदमी की क्षमता ऑलरेडी बहुत है, लेकिन वो जब सीखता है, और सीखोगे कैसे? एक्सपीरियंस से सीखोगे, किताबें वो नहीं सिखाएंगे जो एक्सपीरियंस सिखा देगा। इसलिए ओशो की बातें बहुत प्यारी है, इस लाइन में बहुत सही लगी कि अगर तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ तुम्हारे लिए गलत है, फिर भी तुम्हारा मन हो रहा करने का, तो कर लो। ऐसी कोई चीज़ ना करना जो जिंदगी भर तुम फिर जेल में पड़े रहो, लेकिन ऐसी अगर कोई चीज़ है जो तुम्हें लग रहा है कि यार इसी में सब कुछ है, तो एक बार करके देख लो, और करके जब देखोगे तो तुम्हें 2-4-10 दिन में या महीने भर में समझ में आ जाएगा कि वाकई में सही था, इसमें कुछ है नहीं। इसलिए हर चीज़ दूसरों से मत सीखो, कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से भी करो। ठीक है, राम राम, जय हिंद।